बनाए हुए गरम मसाला की सही विधि। आप ये देख रहे हैं लिस्ट में कितने ग्राम क्या लेना चाहिए घर के गरम मसाले के लिए, वो इसमें पूरा लिखा हुआ है। इसी मात्रा में अगर आप गरम मसाला लेकर बनाते हैं तो आपको सही टेस्ट मिलेगा। आप बिना प्याज लहसुन की सब्जियां बनाएं और सब्जी आधी पकने के बाद इस बने हुए गरम मसाले को डालेंगे तो टेस्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। आपको कभी भी सब्जी में ऐसा नहीं लगेगा कि हम क्या खा रहे हैं। इस मात्रा से डले हुए गरम मसाले के हिसाब से यदि गरम मसाला घर में बनाया जाए तो ये बहुत सही मात्रा है। अब ये आप दालचीनी देख रहे हैं जो कि 100 ग्राम है। 100 ग्राम दालचीनी लेनी है, जायपत्री आपको 60 ग्राम लेनी है, ये है स्टार एनिस या चक्र फूल भी बोलते हैं इसे, ये आपको लेना है 60 ग्राम, ये है 5 जायफल, करीब इसका वजन 25 ग्राम के लगभग है, छोटी इलायची जो कि 20 ग्राम के लगभग है, लौंग है आपके पास जो घर में भी ले सकते हैं, और ये सब सामान आपको किसी भी किराना दुकान पे या मॉल में मिल सकते हैं। लौंग ले लें आप 30 ग्राम, बड़ी इलायची लें 100 ग्राम, काली मिर्च लें 120 ग्राम। अगर आप तेज मिर्च खाते हैं तो ज्यादा भी ले सकते हैं, वरना ये प्रोपोर्शन ही सही है। खसखस ले लें आप 50 ग्राम, शाहजीरा ले लें आप 50 ग्राम, खड़ा धनिया 200 ग्राम ले लें, तेज पत्ता है 200 ग्राम, इसकी मात्रा भी आप ज्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये है आपका तेज पत्ता, छबीले को आप ले सकते हैं 100 ग्राम। ये वैसे मैंने पूरी मात्रा जो ली है ये एक सही मात्रा है, इसी मात्रा में आपको बनाना है गरम मसाला। अब इसको गाय वाले शुद्ध घी में यदि आप सेकेंगे और फिर इसको पीसेंगे, सब चीजों को अलग अलग सेकना है गाय के घी में और अलग अलग ही इसको कूटना है, और बाद में फिर एक सार करके मिक्सी में सबको डालकर और छान लेना है। ऐसा दो तीन बार करने से एकदम बारीक गरम मसाला आपके पास तैयार हो जाएगा। बाजार में जो मसाला मिलता है उससे लाख गुना अच्छा और सस्ता आपको घर में पड़ेगा, और इस मसाले को आप एक साल दो साल भी रखेंगे तो कभी खराब नहीं होगा। बस ये है कि इसमें नारियल ऐड नहीं करना है, नारियल ऐड करेंगे तो गरम मसाला का स्वाद गड़बड़ हो सकता है। बस यही एक चीज है कि इसे गाय के घी में ही बनाना है। गाय के घी में बनाने से ये बहुत टेस्टी बनेगा और इसको आप दो साल तक भी रखेंगे तो इसका स्वाद जो आज बनाया है वैसा ही तब तक रहेगा जब तक आपका ये गरम मसाला चलेगा। घी डालकर इन चीजों को सेकना है। पहले मैं सेक रही हूँ चक्रफूल, हल्का हल्का भूनना है, बहुत ज्यादा भी नहीं भूनना है, हल्का गरम घी में भूनना है। इससे ये भूनने से हल्के हो जाते हैं और पीसने में भी सॉफ्ट रहता है। कच्चा गरम मसाला तेज लगता है, अगर हमने कच्चा अगर पीस लिया तो वो तेज होता है और स्वाद उतना अच्छा नहीं होता, इनमें अलग अलग स्वाद खुल कर आता है और इसकी खुशबू भी बहुत बेहतरीन होती है। आप देख रहे हैं कैसे भून रहा है वो हल्के हल्के से। इन्हें हमने निकाल कर अलग रख लिया। अब ऐसे ही थोड़ा सा घी और डालेंगे हम और ये दालचीनी भूनेंगे। इसी तरह हमें सारे सामान
गरम मसाले के भून लेना है और अलग अलग इनको पहले पीसना है। अब ये हमारी सारी चीजें भून चुकी है। सबको अब आप देख सकते हैं इनके कलर में कितना परिवर्तन हो गया है। ये सब चीजें भून चुकी है। खसखस, इलायची, इलायची देखिए फूल के कैसी पिस्ते जैसी हो गई है। ये बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, चक्रफूल, दालचीनी, धनिया, नीचे तेज पत्ता। अभी ने हम बारी बारी से पीस लेते हैं। ये मैं पहले पीस रही हूँ बड़ी इलायची। थोड़ा और पीसना पड़ेगा। वहां पहुंच अब हम इन्हें इसी में मिक्स कर लेंगे। ऐसे अभी सबको पीस लेना है दरदरा दरदरा, फिर एक बार इनको एक बार फिर से पीसेंगे। ऐसे सारा गरम मसाला हमारा पीस चुका है। इसको हमने दो तीन बार मिक्सी में चला चला के पीसा है और ये हमारा एकदम बारीक गरम मसाला तैयार है। ये गरम मसाला सिर्फ सब्जी का ही स्वाद नहीं बढ़ाता, ये इसमें 13 औषधीय गुण भी हैं, जो कि हमने सामग्री इसकी ली थी वो 13 थे और ये 13 औषधियों का एक सम्मिश्रण है। एक तरह से ये शरीर के लिए सब्जी में स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, ये शरीर में और भी अपनी चीजें बताता है, जैसे आपका शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है। इसको सब्जी में जितनी मात्रा में हम खाते हैं, ये समझ लीजिए कि हमने आधा किलो सब्जी बनाई है तो इतना गरम मसाला काफी है उसमें डालने के लिए। ये इतना ही डालें, इससे ज्यादा नहीं जरूरत है, क्योंकि जब औषधि तौर से जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो औषधि कितनी ली जाती है, थोड़ी मात्रा में, या नमक हम कितना डालते हैं सब्जी में, थोड़ी मात्रा में। इसी तरह से गरम मसाले का प्रयोग आधा किलो सब्जी में इतना ही करें। इसके बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। अब हम इसे पहले तो इसमें मर्तबान में भर देते हैं। आता ही है, साथ में आपके बीपी को कंट्रोल करता है। सर्दियों में अगर हम इसका सेवन करते हैं तो शरीर में गर्माहट बनाए रखता है, आपका ब्लड प्यूरिफाई करता है, इसमें ब्लड में थक्के नहीं जमने देता। गरम मसाला खाने से ब्लड में थक्के नहीं जमते हैं। और ये हमारा गरम मसाला मर्तबान में भर गया है। इसे हम खाने के डिब्बे में भी अभी निकाल लेते हैं थोड़ा सा प्रतिदिन के प्रयोग के लिए। और ये हमारे खाने के डिब्बे में भी गरम मसाला गया। धन्यवाद। आप यह वीडियो पूरा देखें तभी आपको लगेगा कि गरम मसाला किस तरह से अच्छे से बनाया जाए और किस तरह से इसके उपयोग किए जाए। आप चाहे तो सर्दियों में अगर जिसे बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है तो दूध के साथ इतना सा, बिल्कुल ये चम्मच के पीछे साइड से
इतना गरम मसाला दूध में डाल के अगर पियेंगे तो आपकी सर्दी चली जाएगी। जिनको हमेशा जुखाम रहता है वो अगर इतना गरम मसाला दूध के साथ पियेंगे तो ये बहुत लाभकारी होगा। गरम मसाले के बहुत फायदे भी हैं। कई लोग बोलते हैं कि गरम मसाला खाने से तीखा लग जाता है। अगर तीखा क्यों लग जाता है? अगर गरम मसाले में काली मिर्च की और लौंग की मात्रा अधिक होगी तो वो तीखा लगेगा, वरना ये इसमें जितनी भी चीजें हैं सब मीठे स्वाद की हैं। सिर्फ काली मिर्च और लौंग ही तीखे स्वाद का है। तो गरम मसाले के प्रति कई लोग इस तरह से पाल के रखे हैं कि गरम मसाला ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है, तो ये गलत है। ये गरम मसाला दूध के साथ पियेंगे तो जुखाम से भी फायदा मिलेगा, पुराना सा पुराना जुखाम भी चला जाएगा। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा।